तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने टीवी में G5 एप्लीकेशन को कैसे आप एक्टिवेट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले G5 एप्लीकेशन को टीवी में ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन हो रहा है तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में भी G5 एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तब तक यहाँ भी ओपन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे अब ओपन हो गया है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गेट प्रीमियम पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के यहाँ पे आपको एक कोड दिखेगा, इसी कोड को अपने मोबाइल के साथ पैच कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ और मोबाइल में G5 एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सिंपली आपको क्या करना है, मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है एक्टिवेट टीवी पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट टीवी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये कोड डालने का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ मतलब यहाँ पे आप कोड बस डाल देंगे तो आपका जो है वो पैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे उस कोड को जो टीवी में दिख रहा है उस कोड को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं जो टीवी में कोड दिख रहा है उस कोड को यहाँ पे डाल दिया हूँ और यहाँ पे सिंपली जैसे ही एक्टिवेट पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए नीचे में जो है लिख रहा है डिवाइस विथ कोड एडेड सक्सेसफुल। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है टीवी में बैक हो गया, यानी होम स्क्रीन आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जो है मेरा टीवी जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रीमियम एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे जो है प्रीमियम का लोगो भी आ गया। तो दोस्तों अगर आपको भी G5 एप्लीकेशन टीवी में एक्टिवेट करना है तो इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।